वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो सब टॉपिक है फैक्टराइजेशन फार्मूला और डी फैक्टराइजेशन फार्मूला उसका स्टडी करेंगे। देखिए दोनों टॉपिक के ऊपर एटलीस्ट चार या पांच फार्मूला को आपको स्टडी करना है और उसी के बेस के ऊपर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो एटलीस्ट तीन और चार न्यूमेरिकल इन्हीं टॉपिक के ऊपर आएंगे 4 to 6 मार्क्स के लिए। शायद दो न्यूमेरिकल 2 मार्क्स के लिए आएंगे और दो न्यूमेरिकल आपके 4 to 6 मार्क्स के लिए आएंगे। तो आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अपना जो एप्लीकेशन है महाराष्ट्र ई एकेडमी, आप उसे ज़रूर डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपको बेसिक साइंस और बेसिक मैथमेटिक्स का फुल्ली रिकॉर्डेड कोर्स मिलेगा। लाइव सेशंस वहाँ पे होंगे आपके डाउट क्लियरिंग के लिए। अगर आप लाइव सेशंस अटेंड नहीं कर पाते हो तो उसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगा और MCQ टेस्ट सीरीज भी वहाँ पे अवेलेबल है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे चैट सेक्शन मिलेगा। तो चैट सेक्शन में जैसे आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो वैसे आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हो। देखिए आपको कुछ भी डर लग रहा है मैथ्स के बारे में या कुछ भी डाउट्स है, आप वहाँ पे मुझे चैट सेक्शन में आप वहाँ पे मुझसे बात कर सकते हो। तो आप एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो देखिए हम लोग स्टडी करेंगे फैक्टराइजेशन एंड डी फैक्टराइजेशन। एकदम सिंपल टॉपिक है। देखो ट्रिग्नोमेट्री एकदम सिंपल टॉपिक है, आप थोड़ा कंटिन्यूस प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। सब प्रैक्टिस का खेल है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब इम्प्रूव होगे। परफेक्ट कोई नहीं हो सकता, आपको इम्प्रूव होना है। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप स्लोली स्लोली इम्प्रूव हो जाओगे। तो फैक्टराइजेशन डी फैक्टराइजेशन, तो टाइप 1 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डी फैक्टराइजेशन फार्मूला। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे डी फैक्टराइजेशन। देखिए उसका मीनिंग क्या है डी फैक्टराइजेशन, मतलब कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इंटू सम और डिफरेंस। मतलब जो आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब आपका जो गुणाकार है, बराबर, जो मल्टीप्लीकेशन है, उसे हम लोग सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे। एक तो एडिशन में कन्वर्ट करेंगे, नहीं तो सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसे बोलते हैं डी फैक्टराइजेशन फार्मूला। तो यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, ये चार ही फार्मूला का आपको स्टडी करना है। बस इन्हीं के बेस के ऊपर एक या दो न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे। 100% एक तो न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा आपके, अगर आपकी जो MCQ एग्ज़ाम हुई तो उसमें आएगा, नहीं तो आपकी नॉर्मल जो कन्वेंशनल टाइप एग्ज़ाम हुई तो उसमें आएगा। दो न्यूमेरिकल नहीं तो एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, लेकिन एक फार्मूला का यूज़ करके एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। तो देखिए सिंपल फार्मूला है, 2 sin A cos B। देखिए यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट है, वैसे कन्वर्ट किया है यहाँ पे सम और डिफरेंस में। देखिए यहाँ पे सम है, यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे सम है, यहाँ पे डिफरेंस है। तो फार्मूला देखिए क्या है, 2 sin A cos B, sin A+B प्लस sin A-B। पहला वाला फॉर्मूला ध्यान में रखिए, 2 sin A cos B, sin A+B प्लस sin A-B। नेक्स्ट में क्या करना है आपको, सिर्फ रिप्लेस करना है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, साइन के जगह कॉस और कॉस के जगह साइन। तो यहाँ पे सिंपली सेम फार्मूला, यहाँ पे प्लस के जगह माइनस है। फर्स्ट फार्मूला आपको आ गया, तो सेकंड वाला आप इजीली ध्यान में रख सकते हो। साइन के जगह कॉस लिखना है, कॉस के जगह साइन लिखना है, और यहाँ पे सिर्फ प्लस के जगह माइनस है। देन देखिए 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, तो यहाँ पे cos A+B प्लस cos A-B, cos A+B प्लस cos A-B। यहाँ पे क्या करना है, कॉस के जगह साइन लिखना है, कॉस के जगह साइन लिखना है, और यहाँ पे क्या है, प्लस के जगह माइनस, प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस। सिंपल है, आप ऐसे फार्मूला ध्यान में रखिए। तो फिलहाल ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, देन हम लोग उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है। डी फैक्टराइजेशन के हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, टाइप 1 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डी फैक्टराइजेशन फार्मूला। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जो डी फैक्टराइजेशन दिया है उसे आपको सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। देखिए एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम और डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट है उसे आपको सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन 1 का सॉल्यूशन। तो क्या दिया है यहाँ पे हमें, 2 sin 70 × cos 30। देखिए यहाँ पे आपके फार्मूला से मैच हो रहा है, 2 sin A cos B। यहाँ पे मैं साइड में फार्मूला लिख देता हूँ, 2 sin A cos B। आपका फार्मूला क्या है, sin A+B देन प्लस sin A-B। देखिए
टू साइन ए कॉस बी, देखिए यहाँ पे आपका ए का वैल्यू कितना है 70 और बी का वैल्यू कितना है 30। एग्जाम में ऐसे आपने नहीं, आपको नहीं लिखना है डायरेक्टली टू साइन ए कॉस बी, ऐसा ए भी यहाँ पे नहीं लिखना है, ऐसे आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देखिए टू साइन ए कॉस बी का आंसर क्या आएगा, साइन ए प्लस बी, मतलब साइन ए प्लस बी 70 प्लस 30, देन बीच में प्लस साइन साइन ए माइनस बी, मतलब 70 माइनस 30। तो यहाँ पे आपका आया 70 प्लस 30 100, यहाँ पे आया आपका 70 प्लस 30 100, देन यहाँ पे प्लस 70 माइनस 30 40, हो गया आपका फाइनल आंसर। तो वन का आपका फाइनल आंसर क्या है, 2 sin 70 × cos 30। जैसे हमने कन्वर्ट किया, देखिए ये प्रोडक्ट था, 2 sin 70 × cos 30 प्रोडक्ट था, उसे कन्वर्ट किया आपके सम और डिफरेंस में, साइन 100 प्लस साइन 40, दोनों का स्टैंडर्ड वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो इसे वैसे ही रखेंगे। देन क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व करेंगे, आपका वन का सोल्यूशन है इन टू का सोल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 2 cos 75 × cos 15, 2 cos 75 × cos 15। तो यहाँ पे 2 cos A cos B, यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या आएगा, 2 cos A cos B, फॉर्मूला क्या होगा, cos A plus B बीच में प्लस साइन cos A minus B। देखिए तो यहाँ पे आपका ए का वैल्यू कितना है 75, बी का वैल्यू कितना है 15, 2 cos A cos B, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos A plus B cos 75 plus 15, देन प्लस साइन cos 75 माइनस 15, cos A plus B plus sin cos A minus B। तो cos 75 plus 15, 15 कितना होगा आपका 90, देन प्लस साइन cos 75 माइनस 15 कितना होगा 60। तो आपका cos 90 का आपका वैल्यू कितना है 0, प्लस cos 60 का वैल्यू कितना है 1/2, तो आपका फाइनल आंसर है 1/2। बराबर, जो प्रोडक्ट था उसे हमने सम और डिफरेंस में कन्वर्ट किया, यहाँ पे सम आ रहा है, आपका फाइनल आंसर कितना है 1/2। देन क्वेश्चन नंबर थ्री को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री, फोर कॉस 30 × sin 20, 4 cos 30 × sin 20। ध्यान से देखिए आपका जो फॉर्मूला है, 2 sin A cos B, 2 cos A sin B, 2 cos A cos B, 2 sin A sin B, ऐसे आपका फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पे क्या 4 है, तो यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं एडजस्टमेंट करता हूँ, 2 को बाहर लेता हूँ, तो 2 cos 30 sin 20, देखिए 2 × 2 क्या होगा 4, तो आपका सेम अभी मैं फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, तो यहाँ पे आपका फार्मूला क्या आएगा, cos A sin B। तो यहाँ पे देखिए 2 sin की जगह cos और cos की जगह sin, देखिए सिंपली यही फार्मूला है, सिंपली यही फार्मूला आप अप्लाई करने से यहाँ पे माइनस है sin A plus B minus sin sin A minus B। देखिए यहाँ पे फार्मूला मैं अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे आपका ए का वैल्यू कितना है 30, बी का वैल्यू कितना है 20, 2 तो आपका वैसे का वैसा रहेगा, sin A plus B, मतलब sin A plus B 30 + 20, देन माइनस साइन एन sin A minus B, सेम यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, sin A minus B मतलब 30
माइनस 20, तो 2 आपका वैसे का वैसा साइन 30 प्लस 20 50, देन माइनस साइन साइन 30 माइनस 20 10, क्योंकि आपका फाइनल आंसर। देखिए जो प्रोडक्ट था उसे हमने सम और डिफरेंस में कन्वर्ट किया। ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल एग्जाम में आएंगे 2 नहीं तो 4 मार्क्स के लिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपना टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको एडमिशन और एग्जाम रिलेटेड वहाँ पे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और साइड में जो बेल आइकॉन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।